नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार न्यूज। आज सेक्टर 19 के एवीएन स्कूल में गोल्डन लाइनस डिस्ट्रिक्ट एवन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आइए आपको जोड़ते हैं अपने संवाददाता से और आपको देते हैं पूरी जानकारी। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 19 के एवीएन स्कूल में और आपको बता दें यहाँ पर गोल्डन लाइनस क्लब द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या कार्यक्रम है आज यहाँ पे? आज यहाँ पर हमारे लॉयनेस क्लब जनपद गोल्डन लॉयनेस जनपद क्लब A1 तो उसके हम मेंबर्स हैं और ये मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ब्रिज गुप्ता और मैं उनकी सचिव हूँ, मनोनीत सचिव गोल्डन लॉयनेस पुष्पलता गुप्ता। तो आज यहाँ पर हमारा स्कूलिंग का प्रोग्राम है जिसमें हमारा परिचयात्मक सभा है नव सृजन और स्कूलिंग है दीक्षा, वो हमारा प्रोग्राम है जिसमें कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो 20 क्लब्स हैं उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर और पीआरओज आए हैं। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है और स्कूलिंग है उनकी आज, और बाकी हमारे सभी सीनियर जो हमारे वरिष्ठ हमारे अध्यक्षाएं हैं डिस्ट्रिक्ट जनपद की अध्यक्षाएं हैं वो सभी आई हैं हमें आशीर्वचन देने के लिए, और इस तरह से हमारे करीब 160 के करीब हमारे सभी मेंबर्स यहाँ जुटे हैं। जी मैम प्रेसिडेंट हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगी कि नव सृजन में जो हमारा नया कैबिनेट बनता है हम उसकी विस्तृत जानकारी देते हैं, जैसे कौन प्रेसिडेंट है, कौन सेक्रेटरी, कौन ट्रेजरर, कौन पीआरओ, और दीक्षा में जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो उनको बताते हैं कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं और उनको अपनी क्लब को कैसे आगे ले जाना है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल 20 क्लब हैं और शायद है कि एक नया क्लब भी जुड़ जाए इसमें, वो हमारे लिए प्रसन्नता की बात होगी अगर जुड़ जाएगा तो, और फिर हम उसको भी इसमें ले लेंगे तो वो नया क्लब कहलाएगा। उसका क्रेडिट जो मनोनीत अध्यक्षा होती है उसको मिलता है, यानी मुझे मिलेगा। अच्छा, अक्सर देखा जाता है आप लोग सोसाइटी के लिए बहुत काम करते हैं, तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स जो नए आप लोग करना जा रहे हैं उसके बारे में बता पाए? हाँ, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं। श्योर, इस वर्ष हमारा स्लोगन है आहार स्वास्थ्य सुरक्षा का आधार और शिक्षा खोले प्रगति के द्वार। तो हम आहार में तो सब लोगों को उनके आहार से ही परिचित कराएंगे कि कैसे किसी भी बीमारी से आप आहार से ही लड़ सकते हैं, आपको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े इसलिए आप डाइट पे पूरा ध्यान देंगे। डाइट के बाद हमारा आता है कि हम उसका निदान करें यानी डायग्नोस करें, तो उसके लिए हम कैंसर के लिए करना चाहेंगे जिसमें हम पैप्समेयर मेमोग्राफी को बढ़ावा देंगे ताकि सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर पर हमारा ध्यान जाए। उसके बाद हमारा तीसरा है कि हम सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए 9 साल से 12 साल की लड़कियों को लेंगे जिसमें हमें 2 डोज देनी पड़ेंगी। थोड़ा महंगा प्रोजेक्ट है मगर हम करेंगे और मेरा मानना है कि मैं माला के मनकों के बराबर उतना वैक्सीनेशन कर सकूं। देन फोर्थ इज स्टेम सेल डोनर्स को हम बढ़ावा देंगे क्योंकि आजकल स्टेम सेल बहुत जरूरी है बीमारियों के इलाज के लिए, कई जटिल बीमारियों के इलाज के लिए। और शिक्षा तो आपको पता ही है, जब तक युवा शिक्षित नहीं होगा तो राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। तो शिक्षा के हर क्षेत्र में हम कार्य करेंगे, उनकी फीस देना, उनको यूनिफॉर्म देना, बुक्स देना, एक्स्ट्रा कोचिंग देना, लैपटॉप्स देना, मोबाइल देना, ये सारे काम हम उनके लिए करेंगे। और फूड में हम उनको पौष्टिक आहार देंगे, हम उनको जंक फूड से बचाएंगे। जी क्या नाम है? हाँ धन्यवाद मैम, मैं लॉयनेस रीता गुप्ता, मैं 2019 से 2021 जनपद की अध्यक्षा रही हूँ। उस टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट में 21 क्लब और एक नया जुड़ा था, 22 क्लब हो गए। मेरे टाइम का स्लोगन था दो दृष्टि दिखे सृष्टि, तो हमने आईस पे बहुत ज़्यादा काम किया था और अशराफ हॉस्पिटल के साथ मिलके स्लम के लोगों के लिए हमने आई कैंप लगाई, कैटरिक सर्जरी कराई, चश्मे वितरण किए। और ये जो अभी डॉक्टर लॉयनेस ब्रिज गुप्ता जी प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, गायनोकोलॉजिस्ट है, और अब ये भी जो इन्होंने बहुत अच्छा स्लोगन लिया है उस पर मैं, मुझे आशा ही नहीं कि विश्वास है कि ये उस पर खरी उतरेंगी और जनपद को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। सारे प्रोजेक्ट दिल से करेंगे हम लोग मिलके, हम दो शरीर एक जान हैं, मिलकर मैं इनका पूरा साथ दूंगी और मिलकर इसी तरह हम काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दर्शना गुप्ता है, मैं भी जीएल दर्शना गुप्ता चार्टर प्रेजिडेंट इस क्लब की हूँ। इस क्लब को 28 साल हो गए और हम बड़े
मेहनत से ध्यान से इसको चला रहे हैं और आगे भी इसी तरह चलता रहे। अब हमारी इसी क्लब की मेंबर हैं ब्रिज गुप्ता और ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गई, हम इनके साथ हैं।